हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये गर्ल्स पोंचो बनाएंगे। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए है। हम इसमें थोड़ा बड़ा साइज बनाएंगे। इसके साथ मैंने एक कैप बनाई है, ये मैंने क्रोशिए से बनाया है। ये मैंने फ्लावर बनाए हैं डोरी बना के। ये इसका बैक पार्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसे पिंक कलर से बनाऊंगी, पिंक और वाइट कलर का यूज़ करूंगी। ये 3 प्लाई की वूल है, इसे मैं इसको बनाऊंगी। ये मैंने डोरी भी क्रोशिए से बनाई है। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत सिंपल सा है, इसको कोई भी आसानी से बना सकता है। ये मैंने विद कैप बनाया है, ये इसकी मैचिंग कैप है। ये भी मैंने क्रोशिए से बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पिंक कलर की ऊन ली है। हम इसे थोड़ा बड़ा साइज बना रहे हैं, तो हम थोड़ी ज़्यादा चेन बनाएंगे। पहले मैंने एक नोट लगा ली है, उसके बाद हम चेन बनाएंगे। हम टोटल 92 चेन बनाएंगे। मैंने ये 3 mm का क्रोशिया लिया है और 3 प्लाई की वूल ली है। इसका दूसरा आइडिया ये है कि आप बच्चे के सिर को नाप लें, वो कितने इंच का है, और उसी हिसाब से ये चेन बना लें, वो भी ठीक रहता है, क्योंकि हर बच्चे के सिर का साइज अलग अलग होता है। मैंने इसमें 92 चेन बनाई है, आप उसी हिसाब से नाप लें इंच टेप से भी, वो कितने इंच का सर है, तब स्टार्ट कर लें। अब मैं 92 चेन बना लूँगी। ये मैंने 92 चेन बना ली है। अब इसको बिल्कुल सीधा करके हम इसको अटैच करेंगे आपस में। इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। जो हमने चेन्स बनाई हैं इसको बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना होने दें, बिल्कुल सीधे में इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, इसको जॉइंट करेंगे। और स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे हम यहाँ पे। ये हमने ज्वाइंट कर दिया है यहाँ पे। अब हमने ये 3 चेन बना ली हैं। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम इसे अगले वाली चेन में डालेंगे, कोई चेन स्किप नहीं करेंगे, और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक हमने चेन बनाई है, 2 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, हमारे पास टोटल 3 हो जाएंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन को स्किप करेंगे, उसके अगले में हम डालेंगे। एक चेन स्किप करनी है, उसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हम फिर से बनाएंगे। जब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो कोई चेन स्किप नहीं करनी है,
तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चैन स्किप करेंगे, उसके बाद फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसा करते हुए इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। हम फिर एक चेन बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने ऐसे बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे। हमने इसको जॉइंट कर लिया है यहाँ पे। तीन चेन बनाई है हमने और दो डबल क्रोशिया और डालेंगे इसमें ही हम। ये हमारे पास टोटल तीन हो जाएंगे। ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए हैं, दो डबल क्रोशिया हैं, एक चेन है। फिर हम एक चेन बनाएंगे। और तीन डबल क्रोशिया फिर से डालेंगे। इसका मिडल पार्ट है, हम इस हिस्से को पीछे रखेंगे, पीछे की तरफ। हमारे पास टोटल छः डबल क्रोशिया हो गए हैं। तीन हमने पहले बनाए, फिर एक चेन बनाई, तीन फिर बनाए हमने। ऐसे हमारे पास टोटल सिक्स डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और जहाँ हमने ये चेन बनाई थी वहीं पर क्रोशिए को डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीन डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और जहाँ ये चेन है, ये हमारा गैप है, यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर जहाँ ये हमने चेन बनाई है फिर वहाँ तीन डबल क्रोशिया डालेंगे। ये ऐसे बनेगा। इसको हम बीच में से ऐसे नाप लेंगे, जहाँ इसके बिल्कुल बीच में है वहाँ पर हमें सिक्स डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने शुरुआत में बनाए हैं। अब हम इसके मिडिल पार्ट तक आएंगे, ऐसे बनाते हुए। जैसे हमने बैक में छः डबल क्रोशिया बनाए थे, ऐसे ही फ्रंट में हम छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसको मिडल तक बना लेते हैं। ये हमने मिडल तक बना लिया है। अब हम इसको यहाँ हम छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। यहाँ हम छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन का गैप देते हुए, पहले तीन, फिर चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है बनाने में, कोई भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये हमारा दोनों तरफ छः डबल क्रोशिया हो गए हैं, एक फ्रंट में, एक बैक में। यहीं से हमारे ये जो डिज़ाइन है यहीं से बढ़ेगा ये। और आगे हमें ऐसे ही बनाना है, एक चेन तीन डबल क्रोशिया, एक चेन तीन डबल क्रोशिया। जहाँ ये हम एक चेन बना रहे हैं, हर बार यही हमें तीन डबल क्रोशिया डालने हैं। इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे, बैक तक इसको लेके जाएंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। अब हम स्लिप स्टिच से
दो स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके बीच में मिडल में डालेंगे क्रोशिया, जो बैक वाला पार्ट है जहाँ हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ऐसे दो स्लिप स्टिच बना के जो बीच में चेन है यहाँ पे क्रोशियो को लेके आएंगे हम ऐसे, और फिर ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ हम 6 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, अब हम एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे, हर रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। जब हमारी 13 रो कंप्लीट हो जाएंगी पीक की, उसके बाद हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। पिंक कंप्लीट होने के बाद ऐसे ही पूरी रो को कंप्लीट करना है, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा ऐसे बनेगा और ऐसे ही बनाते हुए हम इसको जितना आपको लंबाई चाहिए, जितनी लेंथ चाहिए आप उतना बना सकते हैं। मैंने ये 2 से 3 साल के बच्चे का बनाया है, तो मैंने इसमें 13 रो पिंक की बनाई है, 5 वाइट की बनाई है। ये हमने 13 रो कंप्लीट कर ली है, अब हम डिज़ाइन ऐसा लग रहा है। अब हम वाइट कलर से बनाएंगे इसको, ये हमारा पिंक कलर था। अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 92 चेन से हम 3 से 4 साल के बच्चे का भी बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है तो थोड़ी लेंथ बढ़ा दें, गला इतना ही रहने दें। अगर आपको लगता है कि और थोड़े बड़े बच्चे का बनाना है तो आप 4-5 चेन और ऐड कर दें। अब इसमें हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, इसको भी सेम डिज़ाइन ऐसा ही रहेगा, बस हमने कलर चेंज किया है इसमें। जो हमारे बैक पार्ट हैं वहाँ से हम कलर अटैच करेंगे। ऐसे एक नोट लगाएंगे और इसको यहाँ पे बनाएंगे।
ऐसे ही हम सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले जहाँ हमने पहले सिक्स डबल क्रोशिया बनाए थे वो सेम वही डिज़ाइन चलेगा जो हमने पिंक कलर से बनाया है। इसकी हम पांच रो बनाएंगे, अगर आप चाहे तो ज़्यादा बना सकते हैं। ये हमारे कंप्लीट हो चुका है, टोटल हमने ये पांच रो बनाई है वाइट कलर से। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे पिंक कलर से। अगर आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते, अगर आप पोम पोम बांधना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं और इसमें बांध दें, तब भी बहुत अच्छा लगता है। पर मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है क्योंकि पोम पोम कई बार खुल जाते हैं, बच्चे खींच के निकाल देते हैं धागे। हमने धागा वहीं डाला है जहाँ हमने छह डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमने तीन चेन बना ली हैं, चार बनाएंगे हम चेन, एक एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करते हुए टोटल एट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस जगह हम आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ ये बैक पार्ट है हमारा, जहाँ हमने पहले छह डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ अब हम आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक एक चेन बनाएंगे। आठ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने ये जो एक चेन बनाई है आगे, इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम अगली चेन में डालेंगे और फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, हम सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहां हमने पहले एट बनाए थे वहाँ एट ही बनाने हैं, बाकी में हम सेवन सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही फ्रंट पार्ट में भी हम जहाँ हमने छः डबल क्रोशिया डाले हैं वहाँ आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये हमने रो कंप्लीट कर लिया है। हमने ये जो बीच में है फ्रंट में और बैक में 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बाकी में हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बीच में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हम एक स्लिप स्टिच से डालना है यहाँ पे, और इसके बीच में जहाँ हमने एक चेन बनाई थी अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3, और फिर वहीं पे डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे यहीं पे। अब आगे वाले में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे जहाँ हमने चेन बनाई है, बीच में जो गैप है वहीं पर क्रोशिया डालना है, फिर ऐसे ही 3 चेन बनाते हुए फिर स्लिप स्टिच बनाना है। ये ऐसे बनता चला जाएगा। हमें ऐसे ही पूरी रो को कंप्लीट करना है 3-3 चेन बनाते हुए। हमने 3 चेन बनाई, फिर वहीं पे इसको डाल दिया जहाँ हमने चेन बना रखी है, फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर वहीं से 3 चेन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच डालेंगे वहीं पे। ऐसे करते हुए ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप और कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। इस बॉर्डर को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने ये चारों तरफ बना लिया है। अब हम गले के पास बॉर्डर बनाएंगे वाइट कलर से, इसको बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। हम इसके बैक पार्ट में ऐसे ही धागा डालेंगे, ये मैंने नोट लगा दी है वाइट कलर से। अब हम 3 चेन बनाएंगे, और जहाँ जहाँ हमने पहले ये 3 डबल क्रोशिया डाला है उनके ऊपर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे ही एक चेन बनाएंगे बीच में जहाँ से हम डोरी निकालेंगे, और फिर जहाँ हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाया है फिर से यहीं डालेंगे। ये हमारा गले का बॉर्डर ऐसे बनकर तैयार हो जाएगा।
इसको ऐसे ही बना लेंगे। अब हम ये डोरी बनाएंगे इसमें डालने के लिए, इसके गले में जो डालेंगे हम डोरी, ये मैंने डबल कर ली है ऊन, इसमें 6 तार हो चुके हैं। हम जैसे चेन बनाते हैं इसको सिंपल वैसे ही बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है ये। हमने ऊन को डबल कर लिया है, हमारे पास पहले 3 तार थे, अब हमारे पास 6 तार हैं। इसको ऐसे बनाते जाएंगे, ना तो ज़्यादा लूज़ बनाएंगे और ना ही ज़्यादा टाइट बनाएंगे। टाइट तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, नहीं तो डोरी बिल्कुल टाइट हो जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। ये हमारे पास 6 तार हैं, इससे ये थोड़ी मोटी हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। ऐसे करते हुए हम पूरी डोरी को कंप्लीट कर लेंगे। ये डोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी बंद नहीं करेंगे, इसको डाल के देख लेना है, हमें जितनी भी चाहिए हम उतनी बना सकते हैं। जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ से हम डोरी डालना स्टार्ट करेंगे। एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हम ऐसे डालेंगे इसको, एक चेन में आगे एक चेन में पीछे। ये डोरी हमारी डल चुकी है, अगर आपको ये छोटी लगे तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। पहले ही धागा मत काटें, पहले इसको डाल लें, अच्छी तरह मेजर कर लें, आपको जितनी भी चाहिए उतनी लेंथ रख के इसको काट लें। अब हम ये फ्लावर बनाएंगे, पहले हम एक नोट लगा लेंगे। ये हमने 4 चेन बना ली हैं, अब इसको स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। इसके
उसके बाद हम ये चेन बनाएंगे। तीन चेन हमने बना ली हैं। अब हम यहाँ 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद ये आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं और इसको हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे और जहाँ हमने ये चेन बनाई है वहीं पर हम क्रोशिया डालेंगे। सॉरी, उससे अगले वाले में हम डबल क्रोशिया डालेंगे और हम ये डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 बार। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, और फिर स्लिप स्टिच से यहाँ हम इसको बंद कर देंगे ऐसे। फिर 2 डबल क्रोशिया हम बीच में छोड़ देंगे, उससे आगे वाले में ऐसे ही डालेंगे स्लिप स्टिच से, और फिर ऐसे ही 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही 3 चेन बनाएंगे और फिर इसको यहीं पे डालते हुए स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ऐसे ही करते हुए हम इस रो टोटल 6 बनाएंगे। ये ऐसे ही 2 चेन स्किप करनी है, सॉरी 2 डबल क्रोशिया हमें स्किप करने हैं। ये ऐसे फ्लावर बन जाएगा हमारा। अब इसको इसके साथ जॉइंट कर देंगे, जो ये हमारी डोरी है। इसके लिए हमने ये थोड़ा बारीक क्रोशिया लिया है, इसको ऐसे बंद कर देंगे यहाँ पे, इसे ज्वाइंट करते हुए इसको तैयार कर लेंगे। ये हमारी डोरी और फ्लावर दोनों तैयार हो चुके हैं। ये हमारा पोंचो तैयार हो चुका है। अब हम इस पे एक फ्लावर भी लगाएंगे, इसके साइड में एक फ्लावर लगाएंगे।
हमने जैसे इसमें फ़्लावर लगाया है वैसे हम इसमें भी फ्लावर लगाएंगे। इस पर हमने फ्लावर लगा दिया है और हमारा ये पोंचो तैयार है। वाइट कलर की ऊन से बनाऊंगी। इस फ्लावर की वीडियो भी मैंने बनाई है, वो भी आप देख लें अगर सेम ऐसे बनाना चाहते हैं आप। ये हमारा बॉर्डर है, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा है प्लीज़ बताएं आप। अगर आप यहाँ पोम पोम बांधना चाहते हैं तो वो भी बांध सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और इजी है और सुंदर भी लगता है। ओके, थैंक यू।